वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसके पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है हमारा डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, जोड़ और घटाओ डेसिमल का पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कन्वर्टिंग डेसिमल इंटू फ्रैक्शन। कोई भी अगर डेसिमल वैल्यू हमारा दिया हुआ है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो मान लो हमारा 0.5 है, 0.5 है, तो हम लोग ये पॉइंट को हटाने के बाद डेनोमिनेटर में पॉइंट की जगह पर 1 और जितना उसके बाद डिजिट होता है उसके जगह पर हम लोग 0 लिखते हैं। पॉइंट के जगह पर हम लोग 1 लिखते हैं और जितना हम लोग के बाद पॉइंट के बाद डिजिट है उसके जगह पर हम लोग 0 लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग 5/10 को सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2, तो ये फ्रैक्शन में हमारा आ गया 1/2। मतलब अगर हम लोग को डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लोग पॉइंट के जगह पर पॉइंट को हटाकर 1 लिखेंगे और फिर जितना पॉइंट के बाद हमारा वैल्यू होगा उतना वैल्यू नीचे 0 बैठाएंगे। हम बताए थे कि प्लेस वैल्यू में तो इसको 10th बोला जाता है, 10th प्लस 1/10 रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 5 है तो 5/10 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब हम प्लेस वैल्यू पिछले बार निकाले थे तो हम बताए थे, अगर मान लो हमारा है यहाँ पर 0.24, तो 0.24 है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, हट गया, पॉइंट के जगह पर 1, 2 वैल्यू है तो हमारा 2 0। अब हम लोग ये तो 24/100 हो गया डेसिमल में, तो फ्रैक्शन में तो आ गया, लेकिन अब हम लोग तो कट शॉर्ट कर लेते हैं, ये 6 बार में और ये 25 बार में, 4 × 6 = 25, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर मान लो 0.225 है, तो पॉइंट हटाने के बाद हमारा पॉइंट के जगह पर 1 और जितना वैल्यू है उतना 0 लिखते हैं। तो अब हम लोग इसको काटेंगे, ये 25 से कटेगा 9 बार में और ये 40 टाइम्स, तो 9/40, और तो ये 9/40 हो जाएगा। तो डेसिमल को हम लोग ऐसे ही फ्रैक्शन में बदला जाएगा। मान लो अगर 3.2 रहता तो 3.2 पॉइंट हटाने के बाद 1 और पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो ये 32/10 हो जाता। अभी तो अगर कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो फिर छोड़ देंगे। अब हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, मान लो हमारा पहला फ्रैक्शन है, हम लोग लेते हैं 27/4, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब हम लोग इसको पॉइंट में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सिंपली। कितना 6 बार में लगेगा, 24, अब 3 आ गया। हम लोग पहले डिवाइड करते थे इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अब हम लोग को डेसिमल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर इतना आ गया, अब ये कटेगा नहीं, अब जब तक अब फिर 1 पॉइंट देंगे और उसके बाद 1 0 लगाएंगे, और अब लगाएंगे, अब 7 टाइम्स में लगेगा ना, फिर 2 आया, फिर हम 0 लगाएंगे, लेकिन हम दोबारा पॉइंट नहीं देंगे, हम फिर डायरेक्ट 0 एक बार लगा के जब तक ये नहीं कटेगा, फिर जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग 0 जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग 0 लगा लगा के आगे बढ़ते जाएंगे, और एक बार स्टार्टिंग में जब 0 लगाएंगे तो 1 पॉइंट देगा करेंगे। तो हम लोग अभी ऊपर निकाले 16/5 है, इसको ही चेक कर लेते हैं हम लोग कि आता है हमारा पॉइंट में 3/2 16 हो गया, 3 बार में 15, 1 आ गया। अब देखो अब हम लोग कटेगा नहीं, तो अब हम लोग एक पॉइंट पहले बैठाएंगे 0, अब 2 बार में लग जाएगा ना, जब तक हमारा रिमाइंडर
जीरो ना आ जाए तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे। एक और एग्जांपल ले लो, अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे 9/40 इसका वैल्यू आ रहा था 0.225 का, तो देखते हैं आता है कि नहीं। 40 में 9 ना, तो देखो पहले तो हमारा पहले ही नहीं लग रहा, तो हम लोग पहले ही एक पॉइंट दे देंगे। अब जीरो बैठाएंगे, अब देखो दो बार में लगेगा 80, अब 10 हो गया, फिर अब 10 भी नहीं लग रहा तो फिर जीरो बैठाएंगे, लेकिन दोबारा बार बार पॉइंट नहीं बैठाएंगे, कोई भी वैल्यू में एक ही बार पॉइंट बैठता है ना, बार बार तो नहीं पॉइंट लगता है। तो फिर 2 times लगेगा हमारा 80, फिर यहाँ पर 20 बचेगा, फिर हम एक जीरो लगाएंगे, फिर 5, तो अब आ गया हमारा 0.225, हो गया इतना वैल्यू 2.225। समझ में आया हम लोग कैसे बदल रहे हैं फ्रैक्शन को डेसिमल? जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा हम लोग उत्तर डिवाइड करते जाएंगे। अब हमारा दिया हुआ है कि ये जो है हमारा पैसे में दिया हुआ है, इसको हम लोग को रुपीज में बदलना है डेसिमल यूज करके। तो डेसिमल यूज करके हम लोग कैसे रुपीज में बदलेंगे? हम लोग जानते हैं 1 paise में 1/100 रुपीज होता है ना, क्योंकि 1 rupee में कितना 1 rupee में 100 paise होता है, तो 1 paise में 1/100 होगा ना, तो 533 paise हैं। को अगर हम लोग तो बैठ लेंगे रुपीज में, तो 536/100 हो जाएगा। और हम लोग अभी बताएं कि सिंपली हम लोग पॉइंट बैठा देंगे तो ये रुपीज में चेंज हो जाएगा, मतलब 100 है तो 100 है तो मतलब 2 digit है, 2 digit के पहले पॉइंट लगा होगा, तो मतलब 2 digit कहाँ से, 6 और 3 यहाँ पर मतलब पॉइंट होगा, तो हम लोग ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना डेसिमल में। एक और ले लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा बहुत, 5 paise हैं तो 5 paise तो 5/100 होगा, तब ना ये रुपीज में बदलाएगा। 1 paise में 1/100 रुपीज, 5 paise में 5/100 रुपीज, तो 5/100 रुपीज मतलब ये 2 0 है यहाँ पर, मतलब समझ जाएंगे कि 2 अंक के पहले पॉइंट होगा, तो 2 अंक बनाने के लिए 1 0 हम लोग लगा देंगे, बन गया ना 2 अंक, इतना रुपीज हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे पॉइंट के बाद, मतलब अगर कोई वैल्यू के बाद अगर लास्ट में 0 लगता है पॉइंट के बाद, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लोग तो जो 0 बनाना है, आप देख लो 0.05 है, अगर हम लोग उठाएंगे तो 100 लिखेंगे ना, तो फिर तो उतना ही आ जाएगा 5/100, बात बराबर ही है। मान लो हम लोग को 5 centimeter है, उसको हम लोग को मीटर में बदलना है, ठीक है, तो मीटर में एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 meter होता है, क्योंकि 1 meter में 100 centimeter होता है, तो 1 centimeter में 1/100 meter होगा ना, तो 5 centimeter है तो 5/100 होगा। अब हम लोग को 2 0 है, समझ जाएंगे तो 2 अंक के पहले पॉइंट होगा। मान लो अगर 60 gram है, इसको हम लोग को किलोग्राम में बदलना है, तो क्या होगा, 1 kg में 1000 gram होता है, 1 gram में कितना होगा, 1/1000 होगा ना, तो 60 में क्या होगा, 60/1000 होगा ना, तो पहले तो ये 1 0 तो 1 0 का कैंसिल हो जाता, 6/100 है तो 0.0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 7380 है हमारा ग्राम है, 7380 है और 1/1000 हो जाएगा, तब ये केजी में बदलेगा ना, 1 0 तो 1 0 तो पहले ही कैंसिल हो गया, अब 2 0 पर है, अब 2 0 के पहले ही पॉइंट होगा, मतलब 2 0 है हमारा, समझ जाएंगे थी जब भी लगेगा पॉइंट तो 2 अंक के पहले लगेगा, तो 7.38 kg। अगर हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं तो वापस उतना ही आएगा, देख लो
मतलब हमारा जो ये पॉइंट वाला है वो सही है। कुछ भी मतलब अगर हम लोग को अगर डिवी है तो हम लोग पॉइंट को हटाने पर एक लिखते हैं और उसके बाद जितना भी डिजिट हो उसके हिसाब से जीरो बैठा देते हैं। तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगले दिन हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे।